बंगाल में ममता को हराना है तो दक्षिण बंगाल को जीतना होगा। अगर ममता 10 सालों से बंगाल की सीएम है तो सत्ता का रास्ता दक्षिण बंगाल से होकर जाता है। साउथ बंगाल के 9 जिले ममता बनर्जी की जीत के पीछे की सबसे बड़ी सियासी ताकत हैं। 2019 में भी मोदी लहर ममता के दक्षिण किले को पार नहीं कर पाई। ममता बनर्जी ने ऐलाने जंग कर दिया, मोर्चा संभाल लिया और सबसे बड़ी खबर यही है कि 10 मार्च को नंदीग्राम से ममता भरेंगी जीत की हुंकार। 10 मार्च को ममता बनर्जी नंदीग्राम में नामांकन भरेंगी। 11 मार्च को ममता नंदीग्राम में चुनावी प्रचार करेंगी। यहां आपको ये समझना है कि ममता के ऐलाने जंग में आगे की रणनीति क्या होगी। इसे समझने के पहले हम आपको ममता बनर्जी की सियासी ताकत के बारे में बताते हैं। टीएमसी की ताकत, ममता बनर्जी का चेहरा, जीत का ट्रैक रिकॉर्ड, मोदी लहर को रोका, हर बूथ पर वर्कर, सेकुलर चेहरा, आक्रामक प्रचार, मुस्लिम वोटरों की पसंद, वोटरों पर जमीनी पकड़, टीएमसी की कमजोरी, सत्ता विरोधी लहर, हिंसा के आरोप, मुस्लिम तुष्टिकरण, पार्टी के अंदर फूट, नेताओं का दल छोड़ना, परिवारवाद के आरोप, भतीजे की कार्यशैली। बंगाल की सियासत में आज ममता बनर्जी से बड़ा चेहरा कोई दूसरा नहीं। ममता की राजनीति का अपना अलग अंदाज है। 2019 के नतीजों को लेकर उत्साहित बीजेपी बंगाल में बड़े उलटफेर की आस लगाए हुए है, लेकिन आंकड़ों को जीत और हार के तराजू पर रखें तो पलड़ा ममता का भारी नहीं आता है। आम चुनाव में टीएमसी ने 42 सीट में से 22 सीट जीती, जबकि बीजेपी ने 18 सीट। वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी को 43.3% वोट मिला, जबकि बीजेपी को 40%। 294 संसदीय विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए किसी पार्टी को 148 सीटों की जरूरत होती है और 2019 के नतीजे बताते हैं कि टीएमसी की हैट्रिक का चांस पूरा है। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए ममता की सियासी गणित क्या है? चुनावी मशीनरी को सीधी चुनौती दे रही ममता के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? तो इसे समझने के लिए आपको ममता बनर्जी के गढ़ में जाने वाले 9 जिलों के सियासी समीकरण समझने होंगे। वही 9 जिले जो ममता बनर्जी का भाग्य तय कर देंगे। 294 विधानसभा सीटों में 178 सीटें दक्षिण बंगाल के 9 जिलों में है। नंबर 1 नदिया, कुल 17 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 13 सीट जीती। नंबर 2 उत्तरी 24 परगना, कुल 33 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 27 सीट जीती। नंबर 3 हावड़ा, कुल 16 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 15 सीट जीती। नंबर 4 हुगली, कुल 18 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 16 सीट जीती। नंबर 5 कोलकाता, कुल 11 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 11 सीट जीती। नंबर 6 दक्षिण 24 परगना, कुल 31 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 29 सीट जीती। नंबर 7 बर्धमान, कुल 25 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 19 सीट जीती। नंबर 8 बीरभूम, कुल 11 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 9 सीट जीती। नंबर 9 पूर्वी मिदनापुर, कुल 17 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 13 सीट जीती। टीएमसी ने 2016 में 211 सीटें जीती थी, जिनमें से 152 सीटें सिर्फ दक्षिण बंगाल से जीती। यहां आपको यह भी याद रखना है कि 2016 में ममता का भेद दिखला रहा दक्षिण बंगाल 2019 में मोदी की लहर के बावजूद नहीं ढहा। ममता ने लोकसभा की कुल 22 सीटें जीती, जिसमें 19 सीटें 9 जिलों की जनता ने ममता की झोली में डाला। दक्षिण बंगाल के इसी किले को जीतने के लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को जिम्मा सौंपा है, यानी इस इलाके में शुभेंदु के भरोसे बीजेपी ए बार बांग्ला का सपना देख रही है। अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। शुभेंदु अधिकारी के होने से बीजेपी को पूर्वी मिदनापुर समेत दक्षिण बंगाल में बड़ी जीत का भरोसा है, लेकिन इसी दक्षिण बंगाल में ममता के किले को जीतना टीम मोदी के लिए भी आसान नहीं। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।